अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ में दो गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। गौरतलब है कि दुर्ग सीएसपी टीम एवं थाना मोहन नगर की संयुक्त कार्यवाही की गई। 16 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजे के साथ जीआरपी के दो आरक्षक सहित तीन आरोपी धरे गए। ये आरोपी अवैध गांजे को खपाने की तलाश में थे। मामले के खुलासे के दौरान दुर्ग एसपी ने जानकारी दी, साथ ही लगातार कार्यवाही जारी रखने की बातें कही। तरीके ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 किलो गांजा के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें दो रेलवे का जीआरपी एम्प्लॉय कांस्टेबल भी शामिल है। ये उड़ीसा से जो ट्रेन मुंबई की तरफ जाती थी, उस ट्रेन में काफी बार गांजा जो है वो जाता था। ये लोग सर्चिंग करते थे, इनको देख के तस्कर भाग जाया करते थे या तस्कर को धमका के ये पूरे गांजा अपने कब्जे में ले लेते थे और फिर यहाँ लोकल तस्कर को बेचा करते थे। पिछले 15 दिन में 5 बार इन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। पिछले 2 साल से ये तस्करी में लगे हुए थे। इनके पूछताछ में और मोबाइल डिटेल्स में, व्हाट्सएप चैट में बहुत सारे लोकल सप्लायर्स और तस्कर्स की बातें सामने आई है। आने वाले समय में उनके खिलाफ भी गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।